बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई की मदद ली है, वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस ने पीएफआई की मदद ली। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया। पीएम ने राहुल गांधी को राजपूत वाले बयान पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस की मानसिकता गुलामी वाली है। तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था खराब है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा हावी रही है, शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया है। वही कांग्रेस जो है जिसने वोट के लिए पीएफआई, जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन, जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए, वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो, उनके कारनामों का बचाव कर रहे हो। लेकिन भाजपा सरकार ने देश और समाज विरोधी पीएफआई को बंद किया है, उससे बड़े बड़े खैरखा जेलों में सड़ रहे हैं। भाइयों, याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को तो बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है, और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहा हूं।